पढ़ाई जितनी आसान लगती है उतनी ही कठिन होती है। हर छात्र को चाहिए कि वह मन लगाकर अपने पथ पर अग्रसर रहे। हमें शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए ही नहीं लेनी चाहिए। जन सेवा व मानव हित का कार्यभार भी हमारे युवा वर्ग के हाथों में ही है। शिक्षा केवल विद्यालय में ही अर्जित नहीं की जा सकती, यह जहाँ जिस रूप में मिले हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। आपके माता पिता आपकी पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करते हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दें। हार और जीत सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं, पहले के बिना दूसरा और दूसरे के बिना पहला अधूरा होता है। ज्ञान सिर्फ किताबों से ही नहीं मिलता, जीवन की परिस्थितियां भी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। किताबों से बढ़कर सच्चा दोस्त और कोई नहीं हो सकता। यह आपके सुख दुख तथा जीवन के हर पड़ाव में आपका साथ देता है। आप किस कुल परिवार में जमे हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस दूसरों से हटकर अपनी राह बनानी होती है। जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल भी किताबों में मिल सकता है। सोच व बोझ में थोड़ा सा अंतर होता है। सोच अगर अधिक हो जाए तो बोझ बन जाती है। अगर किसी कमरे में किताबें न हों तो वह बिना आत्मा के शरीर के समान होता है। पैसा जेब में रहे तो बेहतर है। पैसा जैसे ही दिमाग में चढ़ता है तो यही उसके पतन का कारण बनता है। अनुभव आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया शिक्षक है। हमें विद्या इस तरह अर्जित करनी चाहिए जिस तरह एक प्यासे को पानी की जरूरत होती है। मनुष्य का दिमाग एक समुद्र की भांति होता है जो अनंत व असीम है। शिक्षा से मिला हुआ ज्ञान कभी कोई चुरा नहीं सकता, यह वो धन है जो हरदम आपके साथ रहता है। एक शिक्षक जौहरी की भांति होता है जो विद्यार्थी में छुपे हुए गुणों को निखार कर बाहर लाता है। एक किताब, एक कलम, एक विद्यार्थी और एक शिक्षक मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। शिक्षा अर्जित कर तुम्हें सम्मान मिले या न मिले, लेकिन आत्मसम्मान जरूर मिलेगा। खरगोश व कछुए की कहानी से तो हर कोई परिचित है। जीत उसकी नहीं होती जो तेज होता है, बल्कि धैर्य व निरंतरता से चलने वाला ही कामयाब होता है।